हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम हिंदू अडॉप्शन एंड मैरिज एक्ट को ब्रीफ के अंदर समझेंगे। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आप इसको पढ़ के आप अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हो। कोई भी आप एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो, आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप अपने हिंदू लॉ का एग्ज़ाम LLB के लिए दे रहे हो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जो भी मेन चीज़ें। सबसे पहले हमें समझना है कि अडॉप्शन क्या होती है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इसके अंदर क्या है, अडॉप्शन। तो अडॉप्शन के अंदर हम क्या करते हैं, जब हम किसी बच्चे का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं उसकी फैमिली में से, जिस फैमिली के अंदर वो बॉर्न हुआ है उससे दूसरी फैमिली के अंदर, मतलब कि जो उसके नेचुरल पेरेंट्स होते हैं ना, वो उस बच्चे को किसी और फैमिली में दे देते हैं एज अ गिफ्ट। जैसे हम किसी चीज़ को एज अ गिफ्ट दे देते हैं ना, ऐसे यहाँ पे उस बच्चे को एज अ गिफ्ट दे दिया जाता है। अब जो बच्चा जिसको दे दिया गया है, इसके कुछ राइट्स होंगे न्यू फैमिली के अंदर, वो कुछ राइट्स एक्वायर करेगा, ड्यूटीज एक्वायर करेगा, उसके कुछ स्टेटस मिलेंगे, और जो पुरानी फैमिली के साथ कुछ जो टाइज होंगे, वो जो टाइज हैं वो कुछ एंड हो जाएंगे और कुछ टाइज अभी भी रहेंगे। तो ये सब चीज़ें हम आगे डिटेल के अंदर देखते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कौन सा एक्ट समझना है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के जो भी मेन प्रोविजंस हैं वो समझने हैं। जब हमारे लेजिस्लेचर ने इस एक्ट को बनाया तो इसके पीछे सेक्युलर ऑब्जेक्ट को रखा था अडॉप्शन को, और ये जो एक्ट है सिर्फ किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, हिंदूज के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो जो इसका सेक्शन 4 है, हिंदू अडॉप्शन एंड मैरिज एक्ट 1956 का, ये यह बोलता है कि जितने भी एग्जिस्टिंग लॉज होंगे, मतलब 1956 से पहले, जो इनकंसिस्टेंट है इस एक्ट के साथ, हिंदू अडॉप्शन एंड मैरिज एक्ट के साथ, और चाहे कोई भी एंशियंट टेक्स्ट हो, कोई भी कस्टम्स हो, कोई भी लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट्स हो, वो सभी क्या हो जाएंगी, रिपील्ड हो जाएगी। तो आप पुरानी किसी भी चीज़ के हिसाब से नहीं चल सकते, तो आपको इस एक्ट के हिसाब से चलना पड़ेगा अडॉप्शन के मैटर के लिए, ठीक है। तो ये इसके सेक्शन 4 ने बोला। उसके बाद जो इसका इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो कौन सा है, सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या बोलता है, सेक्शन 6 बात करता है एसेंशियल्स एसेंशियल्स के बारे में बात करता है। किसके एसेंशियल्स, एक वैलिड अडॉप्शन के एसेंशियल्स के बारे में बात करता है, ठीक है। अब क्या क्या वैलिड एसेंशियल्स हैं वो हमें देखने हैं। तो सेक्शन 6 बोलता है कि कोई भी अडॉप्शन जो है वैलिड नहीं होगी अगर उसके अंदर चार बातें फुलफिल नहीं की जा रही होंगी। तो वो क्या क्या है, सबसे पहले तो जो पर्सन अडॉप्ट कर रहा होगा वो इस कैपेसिटी के अंदर होना चाहिए, और दूसरा उसके पास राइट होना चाहिए कि वो अडॉप्शन ले सकता है, ठीक है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात कि जो पर्सन एडॉप्शन के अंदर दे रहा है उसके पास भी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो ये चीज़ कर सके। तो पहली, जो पर्सन ले रहा है उसके पास कैपेसिटी और राइट हो, और दूसरा व्यक्ति जो दे रहा है उसके पास भी एक कैपेसिटी हो कि वो इस बच्चे को एडॉप्शन के तौर पर दे सके। तो वो कब कैपेसिटी होगी अभी हम आगे देखेंगे। तीसरी बात, अब इसने एक बच्चे को दिया, इसने एक बच्चे को लिया, तो वो बच्चा भी इस कैपेबल होना चाहिए कि उसको एज अ एडॉप्शन दिया जा सके और एज अ एडॉप्शन लिया जा सके। वो कब होगा वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। और ये जो एडॉप्शन है ये कंप्लायंस के अंदर होनी चाहिए, जितनी भी जब हम ये पढ़ेंगे ना आगे, तो जितनी भी कंडीशंस दे रखी हैं वो सभी कंप्लाई हो रही हूँ। अगर ये चार बातें पूरी हो रही हैं, सेक्शन 6 ये बोलता है, तो वो जो एडॉप्शन है वो क्या हो जाएगी, वैलिड एडॉप्शन हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब देखिए, एडॉप्शन कौन करेगा, या तो कोई मेल करेगा या फीमेल करेगी अडॉप्ट, ठीक है, इस एक्ट के हिसाब से। तो सेक्शन 7 जो है उसने मेल के लिए बताया कि अगर कोई मेल किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, मतलब कि उसके लिए सर्टेन फॉर्मेलिटीज बताई हैं। तो अगर आप इस सेक्शन को बेयरली रीड करोगे तो वो बेयर एक्ट से आप रीड कर सकते हो, लेकिन ये क्या बोलते हैं कि कोई भी मेल हिंदू, कौन, कोई भी मेल जो कौन है, हिंदू है, ठीक है, मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस या उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो कोई भी मेल हिंदू जो कि साउंड माइंड का है और जो माइनर नहीं है, तो जो दिमाग से ठीक है और माइनर नहीं है, वो किसी लड़का या लड़की को अडॉप्ट कर सकता है। और साथ ही साथ अगर इसका प्रोविजो पढ़ोगे तो प्रोविजो के अंदर ये कंडीशन दी गई है कि अगर इस मेल की वाइफ अगर लिविंग है, मतलब कि वाइफ अगर जिंदा है, तो इस मैन को क्या करना पड़ेगा, इस वाइफ की कंसेंट लेनी पड़ेगी, तब वो उसको अडॉप्ट कर सकता है। और वो कंसेंट की ज़रूरत कब नहीं होगी ये भी बता दिया गया। अब मान लीजिए कि वो वाइफ जो है उसने वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया, छोड़ दिया,
ठीक है, जैसे धार्मिक उसमें चले जाते हैं, या फिर वो उसने अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लिया, वो कोई और धर्म में चली गई, या फिर कोर्ट ने, जो भी कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन की कोर्ट है, उसने इस वाइफ को अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया, तो फिर इसकी कंसर्न की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर कोई मेल जो कि मैरिड है उसको अपनी वाइफ से कंसेंट लेनी पड़ेगी। अब अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो ये बोलते हैं कि मान लो इस मेल की एक से ज़्यादा वाइफ है जिस वक्त वो एडॉप्शन कर रहा है, तो जितनी भी वाइफ्स हैं सभी की कंसेंट लेना ज़रूरी हो जाएगा, और उनमें से अगर कोई वाइफ, ये जो कंडीशंस मैंने आपको बताई ना कि भाई अनसाउंड माइंड की है या फिर रिनाउंस कर दिया, धर्म चेंज कर लिया, अगर इनमें से कोई चीज़ किसी ने कर रखी तो उसकी कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब कि तीन जगह पे वाइफ की कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती। कहाँ कहाँ पे? या तो उसने कम्प्लीटली और फाइनेंशली फाइनली रिनंस कर दिया हो, वर्ल्ड को, दुनिया छोड़ दी हो, मतलब कि धार्मिक किसी चीज़ में लग गई हो, या फिर वो उसने हिंदू धर्म को छोड़ दिया हो, या फिर उसको कोर्ट ने अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया हो, तो फिर ये कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज कोई भी मेल हिंदू अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रहा है तो उसको अपनी वाइफ की कंसेंट लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये किसका केस हो गया? मेल का हो गया। फिर सेक्शन 8 अगर आप पढ़ोगे इस एक्ट का, तो वो किसके बारे में बात करता है? फीमेल के बारे में बात करता है। तो फीमेल के लिए सेक्शन ने क्या बोला कि कोई भी फीमेल हिंदू जो है, कोई भी फीमेल हिंदू जो है जो कि साउंड माइंड की है, जो कि माइनर नहीं है और जो कि मैरिड नहीं है, ठीक है, अगर ये तीन चीजें हैं तो वो बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है, और अगर वो साउंड माइंड की है, वो माइनर नहीं है, और अगर वो मैरिड है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसकी मैरिज जो है वो डिसॉल्व हो गई है, या उसके हस्बैंड जो है वो डेड हो गए हैं, या फिर उसके हस्बैंड ने कम्प्लीटली एंड फाइनली इस दुनिया को रिनंस कर दिया है, या फिर उसके हस्बैंड ने हिंदू धर्म को छोड़ दिया है, या फिर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसके हस्बैंड को अनसाउंड माइंड का बोल दिया है, तो ये जो लड़की है, फीमेल है, वो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है। तो मतलब कि हमें यहाँ पे ये समझ आता है कि एक तरीके से ये जो एडॉप्शन एक्ट है, इसने वुमेन्स के राइट को, एडॉप्शन के राइट को वुमेन के, वो लिमिटेड कर दिया है। जब हम मैन के केस में देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वो किसकी पावर के सब्जेक्ट टू होता है, मतलब कि मैन अगर मैरिड होगा तो वो किसके पावर के सब्जेक्ट टू है? उसकी वाइफ के, मतलब कि उसको अपनी वाइफ की परमिशन लेनी ही पड़ेगी, नेसेसरी है। लेकिन वुमेन का जो राइट है वो कब कब किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है? तो अगर उसका हस्बैंड बिल्कुल ठीक है तो फिर यहाँ पे मना कर दिया, मतलब एक तरीके से कुछ दिया ही नहीं कोई प्रोविज़न, तो वो नहीं कर सकती। तो मतलब कि जब वो डाइवोर्स हुड के अंदर है, विडो हुड के अंदर है, मेडन हुड के अंदर है, ठीक है, या फिर उसके हस्बैंड जो है वो अनसाउंड हो गए हैं, इन्हीं कंडीशंस के अंदर वो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, अभी बीच के सेक्शन 9-10 भी पढ़ा दूंगा, पहले हम सेक्शन 11 को देखते हैं। ठीक है, सेक्शन 11 जो है अदर कंडीशंस के बारे में बात करता है कि ये कंडीशंस दोनों को ही पूरी करनी होगी, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों को ये कंडीशंस पूरी करनी होगी तभी वो कर सकते हैं। तो क्या क्या है, अगर आप सेक्शन 11 को पढ़ोगे तो इसके अंदर 6 सब क्लॉजेज हैं, ठीक है, 6 सब सेक्शंस हैं। तो सबसे बेसिक चीज़ जो यहाँ पे अगर इस सेक्शन के अंदर आप पढ़ोगे वो क्या आती है कि जो उनके बीच के डिफरेंस जो होते हैं एज के, मतलब कि जैसे मेल है और जिस बच्चे को वो अडॉप्ट कर रहा है उनके एज के डिफरेंस की बात आती है। तो अगर अडॉप्शन की जा रही है किसी भी एज के, मतलब किसी भी सेक्स के बच्चे को, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, तो कुछ डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको एग्जाम्पल दूँ, मान लो अभी सेक्शन को और डिटेल में समझाता हूँ, पहले एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो एक हिंदू है, ठीक है, हिंदू लड़का है जो कि 25 साल का है, और वो एक लड़की को अडॉप्ट करता है जो कि 14 साल की है, तो यहाँ पे जो अडॉप्शन है ना, इनवैलिड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो अडॉप्टिव फादर है वो उससे 21 ईयर्स बड़ा नहीं है, क्योंकि उसकी जो बेटी है वो फीमेल है, क्योंकि वो बेटी को अडॉप्ट कर रहा है। ठीक है, और अगर मान लीजिए यही अगर एक 25 साल का लड़का होता है वो किसी 14 साल के लड़के को अडॉप्ट करता, तो ये अडॉप्शन वैलिड हो जाती, क्योंकि सेम सेक्स के ऊपर ये जो डिफरेंस है ना एज का 21 साल का, ये एप्लीकेबल, ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती। तो देखिए, सबसे पहले जो सेक्शन 11 का सब सेक्शन 1 है वो क्या बोलता है कि अगर एक बेटे को अडॉप्ट किया जाता है और जो अडॉप्टिव फादर या मदर है जिसके द्वारा अडॉप्शन की जा रही है, उसका कोई भी हिंदू बेटा पहले से नहीं होना चाहिए, या फिर बेटे का बेटा नहीं होना चाहिए, या फिर बेटे के बेटे का बेटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिसके साथ उसके लेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप्स हैं, या फिर एडॉप्शन से जैसे किसी के बेटे ने
आगे कोई बेटा अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, तो जिस वक्त वो इस तरीके की अडॉप्शन करना चाहते हैं तो इस तरीके का कोई भी बेटा जीवित नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका पहले से बेटा आप और क्यों अडॉप्ट कर रहे हो, यहाँ पे उसके लिए मना कर दिया गया। अब सबसेक्शन टू बोलते हैं कि अगर ये अडॉप्शन जो है, अगर ये अडॉप्शन जो है एक डॉटर की हो रही है, ठीक है, तो जो अडॉप्टिव फादर या फिर मदर है, जो मतलब अडॉप्ट करने वाले हैं जिनके द्वारा अडॉप्शन होगी, उनकी कोई भी हिंदू डॉटर या फिर सन का, सन की डॉटर नहीं होनी चाहिए, मतलब कि उनकी खुद की डॉटर नहीं होनी चाहिए या फिर उनके बेटे की डॉटर नहीं होनी चाहिए आगे, ठीक है, जिस वक्त वो अडॉप्शन करना चाहते हैं। तो ये दो चीज़ें सबसे पहले बता दी। अब तीसरा सबसेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या बोलता है कि अगर एक अडॉप्शन एक मेल के द्वारा की जा रही है और वो मेल किसको अडॉप्ट कर रहा है, किसी फीमेल को अडॉप्ट कर रहा है, तो जो अडॉप्टिव फादर है ना, जो किसी को अडॉप्ट कर रहा है, उसके और वो जो बेटी जिसको वो अडॉप्ट कर रहा है उसके बीच में कितने साल का डिफरेंस होना चाहिए, 21 ईयर्स का डिफरेंस होना चाहिए कम से कम, उससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम 21 साल का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में प्री में भी पूछता है कई बार, ठीक है, इस तरीके की कंडीशन देखे पूछ सकता है। फोर्थ जो सबसेक्शन है वो क्या बोलता है कि अगर एक अडॉप्शन की जा रही है किसके द्वारा, फीमेल के द्वारा की जा रही है, और जो पर्सन जिसको अडॉप्ट किया जा रहा है वो क्या है, मेल है, तो जो अडॉप्टिव मदर है उसके बीच में भी कितने साल का डिफरेंस होना चाहिए, 21 साल का होना चाहिए, मतलब कि अगर मेल किसी फीमेल को अडॉप्ट कर रहा है तो उसके बीच में 21 साल का एज डिफरेंस होना चाहिए दोनों के बीच में, और फीमेल किसी मेल को अडॉप्ट करिए तो उनके बीच में भी 21 ईयर्स का डिफरेंस होना चाहिए। द सेम चाइल्ड मे नॉट बी अडॉप्टेड साइमल्टेनियसली बाई टू और मोर पर्सन, कि एक बच्चे को दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ अडॉप्ट नहीं कर सकते, कि मैं भी, ए व्यक्ति आगे बोल रहा है मैं भी अडॉप्ट करूँगा, बी व्यक्ति आगे बोल रहा है मैं भी अडॉप्ट करूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। और ये जो चाइल्ड जिसको अडॉप्ट किया जा रहा है वो एक्चुअली दिया और लिया जाना चाहिए उन पेरेंट्स के द्वारा या गार्डियंस के द्वारा या फिर जिस भी अथॉरिटी के द्वारा जो इस योग्य है देने के, मतलब कि जैसे जिस भी फैमिली के अंदर उसका बर्थ हुआ है, तो वो उसको एक्चुअली दे। लेकिन ये जो यहाँ पे ना प्रोविज़ो दे दिया गया कि ये जो परफॉर्मेंस है ना दत्ता होमन का, तो ये ज़रूरी नहीं है किसी भी अडॉप्शन को वैलिडली करने के लिए, मतलब कि ये एसेंशियल कंडीशन नहीं है कि आपको दत्ता होमन करना पड़ेगा किसी बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है जी। अब हम आते हैं सेक्शन 9 के ऊपर। सेक्शन 9, अब देखिए सेक्शन 9 बोलता है कि किसको एडॉप्शन में दिया जा सकता है। अभी हमने देखा कौन दे सकता है, ये सब देखा क्या क्या कंडीशंस है, मतलब कौन ले सकता है, अब किसको दिया जा सकता है वो सेक्शन 9 के अंदर दिया गया है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, कौन दे सकता है, अभी हमने देखा कौन एडॉप्शन ले सकता है सेक्शन 7, 8, 11 के अंदर, अब सेक्शन 9 के अंदर है कौन एडॉप्शन दे सकता है। तो सेक्शन 9 जो है वो ये एक व्यक्ति की कैपेसिटी बताता है कि कौन व्यक्ति जो है चाइल्ड को एडॉप्शन के लिए दे सकता है किसी और को। तो जब आप बेयर रीडिंग करोगे सेक्शन 9 की, तो उसके अंदर वो सीधा सीधा बोलता है कि पर्सन कैपेबल ऑफ गिविंग इन एडॉप्शन, कि कौन व्यक्ति जो है एडॉप्शन दे सकता है। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन 9 के अंदर तीन व्यक्ति हैं जो किसी व्यक्ति को एडॉप्शन के अंदर दे सकते हैं, ठीक है, कौन कौन उसके और ये प्रेफरेंस के ऑर्डर में बता रहा हूँ कि सबसे पहले किसको राइट है कि अपने बच्चे को वो एडॉप्शन में दे सकता है। तो सबसे पहले जो उसके नेचुरल फादर होते हैं, कौन नेचुरल फादर होते हैं, दूसरा नेचुरल मदर जो होती है, ठीक है, और तीसरा जो उसके गार्डियन होते हैं, चाहे वो गार्डियन कैसे हैं टेस्टामेंट्री है या फिर कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। तो ये इस प्रेफरेंसेस के अंदर ये अपने बच्चे को एडॉप्शन के अंदर दे सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 9 में यही बताया गया, 5 सबसेक्शन है उनको आप रीड कर सकते हैं, तो ये अगर आप इतनी बात जान लेते हैं तो काफ़ी है। फिर सेक्शन 10 के अंदर वो बात बोलता है जो मैंने अभी पहले बोली थी कि किसको एडॉप्शन में दिया जा सकता है, ठीक है। तो सेक्शन 8 के अंदर ये सब बताया किसको लिया जा सकता है, और 11 के अंदर वैलिड कंडीशंस बताई कि पूरी होनी चाहिए, सेक्शन 9 में बताया कि कौन दे सकता है, सेक्शन 10 बताता है कि किसको दिया जा सकता है, ठीक है। तो सेक्शन 10 बताता है क्वालिफिकेशन जो कि नेसेसरी होती हैं, जो कि पूरी होनी ज़रूरी हैं
तभी ये बोला जाएगा कि ये जो एडॉप्शन हुई है वो एकदम सही एडॉप्शन है। अगर इनको फुलफिल नहीं करोगे तो वो वैलिड एडॉप्शन नहीं मानी जाएगी। तो क्या क्या इसके अंदर बताया गया कि जो जिस बच्चे को आप एडॉप्शन के अंदर दे रहे हो ना, जो जो भी पर्सन जिसको भी एडॉप्शन में दे रहे हो, वो ये चीज़ें पूरी करना चाहिए। क्या कि या पहली चीज़ कि वो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, क्या हो, हिंदू हो। दूसरी चीज़ वो ऑलरेडी एडॉप्टेड ना हो, ठीक है। और तीसरी चीज की वो मैरिड ना हो। हाँ, अगर कस्टम वगैरह बोलते हैं कि अगर मैरिड को भी दिया जा सकता है तो फिर हो जाएगा कस्टम्स के हिसाब से, अदरवाइज वो लड़का या लड़की मैरिड नहीं होने चाहिए। और चौथी चीज की वो जो लड़का या लड़की है जिसको भी अडॉप्ट किया जा रहा है, वो 15 साल की उम्र पूरी ना कर चुके हो। अगर कस्टम्स के अंदर है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज 15 ईयर्स की एज कंप्लीट ना कर चुका हो। तो ये चार चीजें हैं, अगर ये चार चीजें हैं तो आप किसी बच्चे को एडॉप्शन के अंदर दे सकते हैं। मतलब कि हमने देख लिया कि कौन एडॉप्शन में ले सकता है, कौन एडॉप्शन दे सकता है, और किसको एडॉप्शन के अंदर दिया जा सकता है। फिर आते हैं हम सेक्शन 12 के ऊपर। ये बोलता है इफेक्ट्स ऑफ एडॉप्शन, कि अब एडॉप्शन हो गई तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स होंगे। तो जब सेक्शन 12 को आप बेयरली रीड करोगे तो ये इसके इफेक्ट्स के बारे में बताता है। ये बोलता है कि एक जो एडॉप्टेड चाइल्ड होगा, अब ये मान लिया जाएगा जो भी एडॉप्टिव फादर हैं या मदर हैं, अब उनके पास उसके सारे राइट्स चले गए हैं। मतलब कि जिस जो भी डेट है ना अडॉप्शन की, उस डेट से जो भी उसके अब नए पेरेंट्स हैं जिनको हम अडॉप्टिव पेरेंट्स बोलेंगे, अब उनके पास उसके सारे राइट्स हैं। मतलब इस बच्चे के सारे राइट्स, जो भी टाइज वगैरह है, वो इनके साथ बन जाएंगे जो डेट ऑफ अडॉप्शन है उससे। और जो उसकी पुरानी फैमिली है उससे वो सीवियर हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, और वो सारे राइट रिप्लेस हो जाएंगे उसकी नई फैमिली के साथ, ठीक है। और यहाँ पे प्रोविजियो दिया गया, प्रोविजियो के अंदर ना तीन बातें बताई गई हैं। क्या अब जैसे मान लो उसके पुराने फैमिली से सारे टाई टूट गए, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जो वो अपनी पुरानी फैमिली के साथ नहीं कर सकता। वो बच्चा जो है ना अपनी पुरानी फैमिली के अंदर मैरी नहीं कर सकता किसी भी उस व्यक्ति से, अगर वो फैमिली का मेंबर ही होता। मतलब जैसे जो भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स हम पढ़ते हैं, तो उन प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स में उस फैमिली के साथ जो उसकी पुरानी फैमिली थी, जो ओरिजिनल फैमिली थी, उस फैमिली के अंदर किसी से मैरिज नहीं कर सकता। और दूसरी बात, जो दूसरा प्रोविजो दिया गया कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो पुरानी फैमिली है जिसको अडॉप्ट किया गया, जिस बच्चे को उसकी जो पुरानी फैमिली है उसके और नाम पे अगर वेस्टेड है वो उस एडॉप्शन से पहले, तो अभी भी वो प्रॉपर्टी उसी की रहेगी। लेकिन अगर उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, जैसे कोई मेंटेनेंस वगैरह के उसके किसी रिलेटिव को जो पुरानी फैमिली थी उससे, तो वो उसको अभी भी करने पड़ेंगे जिस फैमिली में पैदा हुआ था उस फैमिली से। और वो जो एडॉप्टेड चाइल्ड है वो डाइवेस्ट नहीं कर सकता किसी भी व्यक्ति को किसी एस्टेट से जो उस बच्चे को वेस्टेड है उसके एडॉप्शन से पहले, ठीक है। तो ये एक सबसे आप बोल सकते हो इस पूरे एक्ट में सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस में से एक है, जो कि एडॉप्शन के इफेक्ट्स के बारे में बात कर रहा है। एडॉप्शन कैसे होगी, क्या वैलिड कंडीशंस होगी, ये सब चीज़ें तो सिंपल सी नॉर्मल सी बात है, लेकिन अब एडॉप्शन के इफेक्ट्स क्या होंगे उनके बारे में बात की गई है इस सेक्शन के अंदर, ठीक है जी। और इसके बाद एक जो लास्ट चीज हम समझते हैं, जो एक केस के अंदर भी इस बारे में बोला गया था, किशोर लाल वर्सेस चलती बाई की केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में एक कमेंट किया था। ये AIR 1959 का केस है कि प्रूफ ऑफ एडॉप्शन, कि आप प्रूफ ऑफ एडॉप्शन कैसे करोगे। तो ये बात अभी शायद मैंने आपको पहले नहीं बताई हो, लेकिन बतानी चाहिए थी कि कोई भी एडॉप्शन के अंदर ना आपको राइटिंग या किसी भी एग्जीक्यूशन की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप किसी वैलिडिटी ऑफ एडॉप्शन को किसी राइटिंग या फिर एग्जीक्यूशन से करें, ठीक है। तो ये जो एडॉप्शन का फैक्ट है, ये आप किस तरीके से प्रूफ कर सकते हो कि ये बच्चे को प्रूफ किया गया। तो आपके पास कोई चीज़ अगर राइटिंग में नहीं है या एग्जीक्यूशन के अंदर नहीं है कोई डॉक्यूमेंट, तो आपके पास क्या होना चाहिए, कॉजिनेट एविडेंस होना चाहिए। मतलब कि ठोस सबूत होने चाहिए जिसके थ्रू आप प्रूफ कर सके। और ये बर्डन किसके ऊपर आएगा प्रूफ करने का, जिस व्यक्ति ने एडॉप्शन की है, मतलब कि जो उसके एडॉप्टिव पेरेंट्स हैं उनको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ ये बच्चा जो है हमने अडॉप्ट किया है। और ये बात सेम किशोर लाल वर्सेज
चलती बाई के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी कि ये जो एडॉप्शन का बर्डन होगा वो किसको प्रूफ करना होगा एज अ फैक्ट, जिस पर्सन ने इस बात को असर्ट किया है, जिसने इस बात का दावा किया है। और सेक्शन 15 के अंदर अगर आप देखोगे इस एक्ट के सेक्शन 15 के अंदर ये बात बोली गई है कि ये जो एडॉप्शन हुई है ना, जो जिसको वैलिडली किया गया है, इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता एडॉप्टिव फादर के द्वारा या मदर के द्वारा या किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा, ना ही जो बच्चा खुद एडॉप्टेड है जिसको एडॉप्ट किया गया है वो इस एडॉप्शन को रिनाउंस कर सकता है, मतलब कि त्याग सकता है कि मैं अपनी ओरिजिनल फैमिली अपनी बर्थ वाली फैमिली में जाना चाह सकता हूँ, तो ये राइट उसको भी नहीं है। सेक्शन 15 में इस बात को मना किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो ये वाला जो एक्ट है हिंदू एडॉप्शन एंड मैरिज एक्ट 1956, इसके अंदर इतनी बातें जानना हमारे लिए ज़रूरी था जो भी हमने मेन मेन सेक्शंस को डिस्कस किया है। अगर आप ये बातें जान लेते हो तो आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे ज़्यादा इससे बाहर कुछ नहीं पूछता वो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और आई होप आपको लगी होगी अगर आपने यहाँ तक देखी है, तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जिनको ये टॉपिक समझना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।